नमस्कार साथियों, आज हम फिर जनसरोकार मंच के इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ। और वो शख्सियत है श्री कैलाश मनर जी। और शायद हम में से हर एक लोग जो कविताओं में या साहित्य में रुचि रखते हैं वो उनको जरूर जानते हैं। जनकवि के तौर पे बिल्कुल पूरे भारत में मशहूर है। और साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए प्रेमचंद गांधी जी उपस्थित हैं। प्रेमचंद गांधी जी राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण कवियों में से हैं, प्रगतिशील कवियों में से। तो एक तरफ एक दोनों के दोनों प्रगतिशील कवि हैं। और उनके साथ बात हम करेंगे कैलाश मनर जी से, उनकी कविताओं के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में, और उनकी जो नई किताब आई है अभी उसके बारे में। तो मैं अभी गांधी जी को बोलता हूँ कि वो थोड़ा कैलाश मनर जी का परिचय देते हुए बातचीत की शुरुआत करें। भाई अडिग जी और कैलाश जी, जनसरोकार मंच पर आपका स्वागत है। इस बातचीत में हम बहुत सारी बातें करेंगे, कविता की, साहित्य की, राजनीति की, समाज की। लेकिन जैसा अडिग ने कहा कि परिचय दीजिए, तो जब एक जनकवि का परिचय क्या होता है? मैंने तो भाई कैलाश मनहर को मनोहरपुर गांव से जानता हूं। मैं इनके घर भी गया हूँ, यहाँ रुका भी हूँ। और मुझे याद है कि जब इनका पहला कविता संग्रह जो सूखी नदी प्रकाशित हुआ था, तब से हम या उससे पहले से जुड़े हुए हैं, एक तरह से कहना चाहिए। तो हमारा एक तरह से पारिवारिक रिश्ता भी है। और एक कवि के रूप में मैंने कैलाश मनहर को बहुत शुरू से मतलब देखा है, या कहें कि मेरा कवि इनके बाद पैदा हुआ है। लेकिन एक कवि की निर्मिति को विभिन्न चरणों से गुजरते हुए देखना अपने आप में एक विरल और अच्छा अनुभव होता है। तो मैं भाई कैलाश मनहर के जीवन संघर्ष को भी जानता हूँ कि मनोहरपुर जैसी छोटी सी जगह में रहकर बिल्कुल उन्होंने एक बहुत लंबा आत्म संघर्ष किया है, कविता के लिए भी, और सबसे अधिक कहूँ तो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी। और कैलाश मनहर को मनोहरपुर के लोग से जितना जानते हैं, उससे अधिक मैं कहूंगा कि देश में कम से कम हिंदी कविता या साहित्य के क्षेत्र में जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक चीज जो मैं लगातार मैंने महसूस की है कि रिटायरमेंट के बाद भाई कैलाश मनहर की कविताओं में एक नई तरह की ताजगी, एक नई तरह की अभिव्यक्ति, और कहना चाहिए कि जो एक आक्रोश होता है कवि में, वो आक्रोश इनकी कविताओं में लगातार दिखाई पड़ता है। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें इनकी मुरारी सीरीज तो अपने आप बिल्कुल बिल्कुल में मील का पत्थर है। वो इतनी लोकप्रिय हुई है कि उस मुरारी चालीसा के बाद आपको जनकवि का खिताब मिला। तो भाई कैलाश जी, आज आपका इस मंच पर मैं पुनः स्वागत करता हूँ। परिचय में क्या कहूँ, आपके कई कविता संग्रह और गद्य कृति, अभी एक गद्य कृति 2 महीने 12 दिन, जो कोरोना काल और के समय के जो अनुभव थे उनको लेकर लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है, उसका लोकार्पण। जानना चाहूंगा भाई कैलाश जी की, एक मनोहरपुर जयपुर के नजदीक है, अब तो कुछ अधिक नजदीक हो गया है, लेकिन एक समय था जब इतने आवागमन के साधन नहीं थे और हमारा मिलना जुलना या कहें गोष्ठियां वोष्ठियां भी बहुत कम होती थी, या होती थी तो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में से समय निकालकर वहां से जयपुर आना और हम सब लोगों से जुड़े रहना बहुत कष्ट दायक था। तो आपने उस छोटी सी जगह में रह के साहित्य के क्षेत्र में जो आज मुकाम हासिल किया है, तो मैं जानना चाह रहा था कि एक कवि की निर्मिति कैसे होती है, कि एक जहां पत्र पत्रिकाएं बहुत मुश्किल से आती हों, मैं समझता हूं कि शायद हंस जैसी पत्रिका भी आप अकेले ही वहां मंगाते रहे होंगे, या दूसरी पहल और दूसरी पत्र पत्रिकाएं, तो वहां बैठकर अपने आप को समकालीन साहित्य से जोड़े रखना और
लगातार सृजनरत रहना, जिसमें आपका व्यक्तिगत जीवन संघर्ष भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक कवि के रूप में आपका आत्मसंघर्ष है। तो आपने किस तरह से लिखने की दुनिया में कैसे आए, ये मेरे लिए एक जानकारी मैं चाहता हूँ, हमारे सभी दर्शक श्रोता भी जानना चाहेंगे। धन्यवाद प्रेम जी, अधिक जी। वास्तविकता तो यह है कि मैं कविता में एक तरह से संयोग पूर्वक आ गया। पिताजी स्कूल टीचर थे, स्कूल में उन पिताजी को पढ़ने का शौक था। मैं जब 10-12 बरस का रहा हूंगा, 10-12 बरस का, तब एक बार उन्होंने रानी जी की, लक्ष्मी कुमारी चूंड़ावत की, राजस्थानी लोकगीत ले आए वो, और मुझे राजस्थानी लोकगीत जब मैंने पढ़े तो वे वही गीत थे जो मेरी माँ गाती थी, दादी गाती थी, मोहल्ले की स्त्रियां गाती थी। तो मैं उस संकलन को देख करके बहुत प्रभावित हुआ और मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी आप किताबें और लाया कीजिए। फिर संयोग हुआ कि वे बिज्जी की एक बातारी फुलवाड़ी का एक खंड ले आए, वो कहानियां पढ़ते हुए मुझे वास्तव में लगा, हालांकि उस समय में 15 साल की उम्र में इस राजस्थानी को पढ़ना बहुत मुश्किल काम लगता था, लेकिन मैं जोड़ तोड़ करके पढ़ता रहा और वो कहानियां जब पढ़ी तो मेरा पढ़ने के प्रति ललक जागी। मैं लगभग 17 साल का रहा हूंगा अडिग जी प्रेम जी, जब मैं शायद हायर सेकेंडरी कर रहा था, तो वो एक संयोग था कि पापा जी गोरकी की माँ ले आए, द मदर। और मदर को पढ़ते हुए मैं इतना भीतर से हिल गया, एक तरह से मुझे पावेल के संघर्ष ने इतना मुझे किया अंदर से उद्वेलित कि मैं भीतर तक कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है जीवन में, वहां से मेरे जीवन संघर्ष की और समझ की, उसको जिसको आप विवेक कह सकते हैं, विवेकशीलता की मेरी वहां से एक तरह से निर्मिति हुई। और मैं मदर को पढ़ते हुए अपने आप में बहुत ज्यादा भीतर से वैचारिक मेरा जो निर्मिति वहां से हुई। उन्हीं दिनों में भानुभट्ट की आत्मकथा भी पढ़ने को मिली मुझे, और मुझे एक तरह से पढ़ने का चस्का लग गया। मतलब मैं हायर सेकेंडरी तक आते आते गद्य पढ़ने के लिए इतना, गद्य में भी कहानियां और उपन्यास पढ़ने के लिए इतना लालायित रहने लगा कि बाणभट्ट पढ़ा, उधर बंकिम जी का राज सिंह भी पढ़ा, और राज सिंह के बाद में आनंद भट्ट भी पढ़ा। ये पढ़ते हुए और मुझे लगा कि ये बहुत, क्या इन लोगों के पास में ऊर्जा रही होगी, क्या इन लोगों के पास में सामर्थ्य रही होगी। मैंने अपनी पहली कविता सन 80 के आसपास, 78-79 के आसपास मैंने अपनी पहली कविता लिखी। हालांकि मैं कविता से कवि नहीं बना, मैं गद्य से कवि बना। मैंने गद्य पढ़ा और गद्य पढ़ने के, गद्य की रोचकता ने मुझे, हालांकि मैं गद्य नहीं लिख पा रहा था, लेकिन मुझे, मैंने सोचा कि मैं कविता लिख सकता हूं और मैं गद्य से कवि की, कविता की ओर आया। मैंने ये किताबें, इसमें पिताजी का किताबें स्कूल से लाना, पुस्तकालय से, और उसने मुझे बहुत मदद दी, उससे उससे मेरा कवि के रूप में एक थोड़ी निर्मिति हो सकी, जैसा भी मैं इस समय में। एक कवि की निर्मिति गद्य से होती है, या जैसे आपने कहा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का जो राजस्थानी गीतों का संग्रह था, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है कि हमारे घरों में जो गाए जाने वाले गीतों जो की जो लय और ताल और जो धुन होती है, वो शायद हम जैसे लोगों के कवि निर्माण में उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत नजदीक भी होते हैं, हमारे लोकगीत, हमारे जो पारंपरिक शादी ब्याह के जो विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले स्त्रियों के गीतों में जितनी पीड़ा, जितना दर्द और जितना उत्साह है, उमंग, तमाम चीजें, मतलब जीवन के तमाम रंग उनमें मिलते हैं। तो वो एक कवि मानस का निर्माण करने में उसकी भूमिका होती है। और बाकी आपने जो कहा कि गद्य
पढ़ने से, तो गद्य तो मैंने भी शुरुआत में गद्य ही पढ़ा, हालांकि कविताएं पढ़ी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने पहली कविता जिसको कह सकते हैं तो कब लिखी और क्या उसका प्रसंग कुछ याद हो तो वो बताइएगा। पहली कविता मैंने लिखी लगभग 79-80 में, 1979-80 के आसपास। उसका प्रसंग ये रहा कि मैंने अभी उसके बाद में उन चीजों को मैं याद करता भी रहता हूँ। घर की जो हवेली की आप सब लोग समझते हैं, पौड़ी होती है, पौड़ी मेन हाँ दरवाजा इसको पौड़ी है। तो पौड़ी के और बाई तरफ द्वार है, और पौड़ी में ही हमारी चाकी रखी रहती थी, चाकी रखी रहती थी। और माँ की आदत थी कि सुबह उठ के और 5:30-6 बजे उठ जाना, और लगभग घंटा भर तक चाकी पे आटा पीसने की माँ रोजाना आदत होती थी। मुझे पता नहीं कैसे एक ऐसा वाक्य याद आता है, और पता नहीं वो कहाँ अवचेतन में पड़ा हुआ है, अभी तक भी है और हमेशा रहेगा, कि जैसे मैं माँ की गोद में लेटा हुआ हूँ, एक गुनगुनी सी मेरे को मिल रही है, स्नेह मिल रहा है, गुनगुनापन, और माँ हाथड़ी से चाक पिसा रही है और माँ गाए जा रही है। तो उन चीजों को, वो सारी बातें मेरी दिमाग में मेरे अभी तक भी निकल नहीं पा रही हैं। एक कविता में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश बाद में भी की है, बीच बीच में भी की जगह जगह, लेकिन उस समय 79-80 में मेरे पास में ये कविता बन पड़ी, और ये कविता मैंने उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिखी थी। मेरी पहली कविता मैं बता रहा हूं प्रेम जी, जो मैं हाँ आपको सुनाइए बताऊंगा। सुनाइए, हमारी बिल्कुल बहुत इच्छा है बिल्कुल, ये पहली पहली कविता सुनना। कविता बिल्कुल, है मेरी जो दैनिक नवज्योति में छपी थी, रविवार परिशिष्ट में। अरे ये वाह आप, वाह वाह, वह होता है ताकि मैं आदमी बनूं तो सही, वह होता है ताकि मैं आदमी बन, दुख है कविता का शीर्षक है दुख, वह दुख होता है ताकि मैं आदमी बनूं तो सही, वह नहीं होता तो मैं सब कुछ होता हूं पर आदमी नहीं, वह क्या नहीं बात है, होता तो मैं सब कुछ होता हूं पर आदमी नहीं, एक चित्तरी चिड़िया बरसाती कामना लिए गर्म धूल में नहाती है, शत्रुओं से घिरा अकेला बच्चा बहादुरी से जंगल पार कर सोते से जाग पड़ता है, मरुस्थल को समझती है माँ, वाह मरुस्थल को महसूसती है क्या, माँ, क्योंकि आंसू का मूल्यांकन मुश्किल है, मरुस्थल को महसूसती है माँ, क्योंकि आंसू का मूल्यांकन मुश्किल है, इसलिए वह होता है और मुझे आदमी बना जाता है। यह वाह कविता क्या मैंने बात, 80 में लिखी थी, 79-80 में, जो दैनिक नवज्योति में छपी थी, ये मेरे को याद है। उस समय नवज्योति के जो साहित्य संपादक थे वो स्वयं कवि थे, आपको तो ध्यान होगा, लहर के संपादक प्रकाश जैन साहब हुआ प्रकाशित है करते थे। बिल्कुल, और उनसे दुआ सलाम प्रणाम वो बहुत याद आते थे। फिर बाद में वहां जाकर मैं मिला भी, अजमेर जाकर भी मिला हुआ हूँ मैं उनके दफ्तर में, और प्रकाश जी से बहुत प्यार करते थे प्रकाश जी, बहुत, लहर में भी छापा उन्होंने मुझे, लहर में भी छापा। मेरे साथ भी एक अच्छा संयोग रहा कि मेरी भी पहली रचना जो थी वो लहर नवज्योति में छपी थी, और मैं भी प्रकाश जी से मिलने, मतलब किसी काम से उदय अजमेर गया था, तो मेरा मन किया कि मैं नवज्योति में जाके प्रकाश जी से मिलूं, और सही, मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि साहब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो वहाँ जो नेहरू हॉस्पिटल है उसमें भर्ती है। तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए पहले उनके घर गया, तो घर पे पता चला अस्पताल में है, फिर मैंने वहां से पूछा भाई कौन से वार्ड में क्या है, तो फिर वहां से मैं उनसे अस्पताल में मिलने हाँ गया। वाकया इन्होंने बताया किस तरह से मतलब घरों घर के अंदर समाज में जो महिलाओं के गीत हैं उनको सुनते हुए, और पिताजी द्वारा लाई गई किताबों के माध्यम से साहित्य से कैलाश जी का जुड़ाव हुआ। और एक खास एक संयोग की बात देखो, कि मैं भी जब 10वीं में पढ़ता था तब मैंने माँ पढ़ी, और माँ ने बिल्कुल मेरी जिंदगी बदल दी, मतलब धारा ही बदल दी पूरी बिल्कुल, हम एकदम। सबके साथ ये हुआ, हाँ हम सबके साथ, मेरे साथ भी ये हुआ कि माँ पढ़ने के बाद मैं कई दिनों तक मतलब विचलित रहा उस नहीं विचलित क्या, उस पूरे उसमें पावेल और
उस पूरे मतलब अंद्रेई नताशा सब उनसे निकल ही नहीं पा रहे थे, निकल ही नहीं पा रहा था मतलब। और माँ भाविन का जो कैरेक्टर है, भी हमारे हमारे भीतर जैसे जिंदा है, वो किसी ना किसी रूप में है उस। तो और बिल्कुल अगर अपन कैलाश जी की कविताओं को देखें तो वो पावेल का जो विद्रोह है और माँ और उसके साथ जो माँ हाँ की बिल्कुल 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 संगति है, तो वो इनकी कविताओं में निरंतर दिखाई देती है। दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। और नहीं, और एक चीज और भी है कि जैसे इन्होंने एक बात और भी की राजस्थानी में, जैसे बिजी की हाँ कहानियां, बातारी फुलवाड़ी। तो मुझे हाँ एक चीज ये भी लगती है कि जब आप अपनी मातृभाषा या अपने जहाँ समुदाय की भाषा से जुड़ते हैं, तो फिर आपके भीतर एक लोक के प्रति जो संवेदना बिल्कुल और उसको देखने की दृष्टि भी आपको वहां से मिलती है। तो हालांकि जैसा अभी कैलाश जी कह रहे थे कि उस राजस्थानी भाषा को पढ़ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, कठिन क्योंकि था, उस दौर में तो बिल्कुल ही राजस्थानी नहीं पढ़ाई जाती थी। ये जिस समय की बिल्कुल बात कर रहे हैं बिल्कुल। आपसे, लगभग 45 साल हाँ पहले अस्सी की। इक्यासी के दौर में बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग भी अगर कभी कोई राजस्थानी की चीज मिलती तो हमें कई बार ऐसे लगता था कि यार ये कौन सी भाषा है ये, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हम ढूंढाड़ में ना रहते हैं, तो यहाँ की जो राजस्थानी वो थोड़ी अलग है, और जो साहित्य में राजस्थानी लिखी जाती रही है तो वो थोड़ी सी मारवाड़ वाली उसके अंदर प्रधानता है। तो बहुत सारे शब्द भी पता ऐसे नहीं हैं ये जो क्षेत्र हमें। का फर्क रहा। हाँ नहीं नहीं पता नहीं क्षेत्र का फर्क रहा कि क्या रहा, लेकिन मैं राजस्थानी जब मैंने पहली बार से पढ़नी शुरू की ना, तभी से मुझे कम से कम वो दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं क्यों नहीं हुई, मैं नहीं बता सकता। और मुझे श्याम महर्षि जी और उनकी किताबें मिलती थी। हाँ कैलाश जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि आपने माँ से, माँ जब पढ़ा तो आपने उसकी पूरी एकदम आपकी जिंदगी की धारा बदल दी। और हाँ बिल्कुल हम अभी बात कर रहे थे कि अभी जो आप जिस तरह से प्रतिरोध में कविताएं लिखते हैं, तो हम ये बात कर रहे थे कि वो सारा का सारा कहीं ना कहीं वो पावेल का कैरेक्टर है ना, वो आपके कवि में घुस के और वही सब आपसे सारी कविताएं लिखवा रहे हैं जैसे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। पावेल भी रहा, भगत सिंह का मैं नास्तिक हूं पढ़ते हुए अभी असर पड़े, बहुत मैं नास्तिक हूं ने भी जी जी बहुत जी भीतर तक किया। हाँ, और अच्छा भगत अच्छा सिंह के चरित्र ने पास की कविताओं में बिल्कुल भी बिल्कुल प्रभावित किया। तो ये सब चीजें जी मिलकर के, और मुझे भीतर तक वास्तव में वो ही सब करवा रहा है, ये सब लोग मिलकर करवा रहे हैं, सबका भारी दबाव है। अंतर मन पर जो दबाव होता है शक्तियों का, इन सब शक्तियों का मेरे अंतर्मन पर दबाव है। और ये एक कवि के रूप में प्रेमचंद, और आप तो खुद समझदार हैं अली जी, आप तो खुद इस स्थिति को समझते हैं कि सारी शक्तियां मिलकर के भीतर से ताकत लगाती हैं जब एक आक्रोशित जी और प्रतिरोधी चेतना का उद्गम होता है। यह सही बात। जी जी मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि पिछले 40-50 साल में भारतीय समाज बहुत कुछ बदला है, और हाँ वो बदलाव जरूरी भी है, लेकिन आप जिस तरह के वो उसको कस्बा भी क्या कहूँ, मैं तो मनोहरपुर को अभी कस्बा नहीं, मैं तो अभी भी गांव की तरह ही मानता हूँ। गांव कोई गांव गांव ही। जैसे जयपुर को एक बड़ा कस्बा कहा जा सकता है, वो महानगर हाँ भले ही बिल्कुल कह दिए। अरे हाँ हाँ सही है। तो मनोहरपुर जैसे गांव में जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियों में आपने रहा, तो उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद्रोह तो पैदा किया ही होगा ना, क्योंकि वहां के जो ग्रामीण संस्कार हैं या जो ग्रामीण रूढ़ियां हैं उनके प्रति भी विद्रोह शायद आप आपके भीतर बहुत शुरू से राज, जितना मैंने देखा है। प्रेमचंद मैं आपको अधिक अधिक तो अभी मेरे पास घर पर आए नहीं है, आप तो मेरे घर पर आए हुए हैं, और मैं आपको बहुत जो सुन रहे हैं उनसे भी बताना जरूरी समझता हूं कि मेरा मकान ऐसी जगह पर है जहां मैं रह रहा हूं, ये जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां मेरे आसपास में भी लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक भी सवर्णों के घर नहीं है, सवर्णों के मकान नहीं है। मेरे अड़ोस पड़ोस में सब
हाँ, दलित लोगों के मकान है, और मैं जातियों के नाम तो क्या लूं आपसे, जातियों के नाम लेना तो जरूरत नहीं, हाँ बेकार होगा, लेकिन मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ, तो अब आप सोचिए कि सवर्ण लोगों का मेरे साथ में कैसा बर्ताव रहा होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। और वे लोग आते भी हैं तो 3 बार सोचते हैं मेरे पास आने में, और आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि यार तुम कहाँ रह रहे हो। बाकी जब आप जैसे लोग आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र सजल हमारे नए कहानीकार हमारे क्षेत्र से हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उनके अंतिम रामलीला, और वो जब आए तो उन्होंने इसी बात पर, जो आप जिस बात की ओर आप संकेत कर रहे हो, इसी बात पर संकेत किया कि गुरुजी आप इस जगह पर रह रहे हो, क्यों इसमें गजब क्या हो गया। मुझे ताजुब यह हुआ कि एक जिसको कहते हैं कुलीन ब्राह्मण ऐसी जगह पर रह रहा है। मैंने कहा मैंने भैया अपनी कुलीनता तर्ज दी है, और मैं अपनी ब्राह्मणत्व जो है उसको मैंने अध्ययन अध्यापन तक ही सीमित रखा है, बाकी मेरे में ब्राह्मणत्व के कोई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण गुण देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे और दूसरे हाँ? मैं कह रहा था कि ये जो डी क्लास होने की जो मुक्तिबोध बात करते हैं, तो डी क्लास होना शायद आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था। बिल्कुल, बहुत 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 पहले कब शुरू कर दिया था, किशोरावस्था में मेरा शुरू हो गया था, मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि किशोरावस्था में मेरा विद्रोह शुरू हो गया था। इसके साथ ही जोड़ना चाहिए कि जो आपने डी क्लास होने की शुरुआत की, तो उस समय मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने इस कारण उपेक्षित भी किया होगा, परिवार के समाज के बहुत सारे ताने भी सहने पड़े होंगे कि किन लोगों की कुसंगत में पड़ गए तो, है नहीं, लेकिन जब यहाँ के लोग उपेक्षित कर रहे थे या ताने और व्यंग करते थे, या एक तरह से यहाँ तक कि कई बार तो मारपीट तक की, गिरेवान पकड़ने तक की घटनाएं हो जाती थी, लेकिन ऐसे मौके पर मैं आपसे बताऊं कि साहित्यकार मित्रों ने बहुत साथ दिया। मैं ये 79-80 से शुरू होती हैं बातें किशोरावस्था से, और उस समय प्रकाश आतुर जो साहित्य अकादमी में थे, उन्होंने इस मामले में मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि ये चीजें तो झेलनी पड़ेंगी, अगर ये चीजें नहीं झेल सकते तो इस काम को छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। तो मुझे प्रकाश जी का, और जो प्रकाश जी के समय पर उस समय जो लोग साथ हुआ करते थे, उन लोगों का बहुत सहयोग मिला इस मामले में, और इनसे जहां विश्वंभरनाथ उपाध्याय हुआ करते थे तो वो बहुत समझाते थे इन चीजों को, मैं अपनी समस्याएं कहता था, तो इन सब चीजों से मदद भी मिली। जहां जहां अपने लोग उपेक्षा करते हैं या व्यंग करते हैं, तो बाहर के लोग जो अपने लगने लगते हैं वे मदद भी करते हैं। ये सब चीजें झेली हैं, सब चीजों का मैंने देखा है। अच्छा, फिर जो अभी एक आप आपसे अभी कविताएं भी सुनेंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मुरारी जो शब्द है ना, आपकी जो अभी कविताओं, पिछले मुरारी सीरीज की कविताएं जो अभी पिछले 2-3 साल के इस दौर में, जो 2-3 साल का कुछ ज्यादा ही समय हो गया इनको, अब तो ये मुरारी है 8 साल तो नहीं, 4 या 5 साल हो गए शायद मुरारी को। हाँ, तो ये हाँ, कैसे आपको मतलब ये मुरारी शब्द ही क्यों सोचा? मुरारी तो हमारे यहाँ कृष्ण का नाम भी मुरारी है, तो ये मुरारी शब्द कैसे आया मतलब? नहीं, मुझे 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 एक चीज याद आ रही है कि आपको ध्यान है वो किसी फिल्म में एक हास्य कलाकार ने किसी को कहा था, अरे मुरारी, शायद आनंद फिल्म में जो था। हाँ, आनंद में भी है, और फिर वो जो चला मुरारी हीरो बनने फिल्म भी आई। हाँ, वो असरानी की फिल्म भी आई, असरानी की। और हुआ क्या, ये हाँ, तो वो अधिक जी और उन्हीं दिनों में ये रेहन पे रघू और काशी काशी पढ़ भी रहा था मैं, ये सब चीजें चलते चलते, तो ये एक इत्तफाक था, ये मैं सच कह रहा हूँ, आज सब लोग सुन रहे हैं और आप दोनों भी, कि ये एक इत्तफाक था कि मेरे से अनायास ही पंक्तियां आई थी मेरे दिमाग में, ये इतना भी मत सटक मुरारी, इधर उधर मत भटक मुरारी, और जब ऐसे ये दो पंक्तियां जुड़ी, इधर उधर मत भटक मुरारी, इतना भी मत सुटक मुरारी, और पता नहीं कहां से एक पंक्ति ने आकर के सीधे सीधे मेरे दिमाग में हलचल मचा दी,
15 लाख की बात हुई थी, ला 15 तो पटक मुरारी और ये इधर उधर इतना भी मत सटक मुरारी, इधर उधर मत भटक मुरारी, 15 लाख की बात हुई थी, ला 15 तो पटक मुरारी। और इस कविता ने उस दिन मैंने देखा कि मैंने नया नया फेसबुक ज्वाइन किया था और 250-300 लाइक, और अविनाश दास और इरफान खान और उस वक्त जीवित थे और हैदर रिजवी, उन लोगों ने इसको पसंद किया, तो वो मुरारी एक अनायास चरित्र पैदा हो गया। और फिर मुरारी के बाद तो मुझे प्रेम को याद है, जब हम वहां चित्तौड़ गए, एक महिला ने मुझे आते से मुझे याद है, मुझे चित्तौड़गढ़ के बेगू कस्बे में वो जो गांव है, तो उस गांव में ये कविता सुनने के बाद एक बूढ़ी महिला जो घूंघट में बैठी हुई थी वो आई और इनको 20 रुपए का एक नोट देके गई इस कविता पर इनाम के स्वरूप। और वो ऐसी कोई मजदूर या ऐसी महिला थी, मतलब बहुत ही सामान्य मजदूर महिला थी और वो इनकी कविता से प्रभावित हुई, तब लगा कि ये एक कविता की ताकत होती है ना, वो क्या कितनी बड़ी ताकत कि वो किस तरह से संप्रेषित होती है। अच्छा दूसरी, अब कैलाश जी, ये जो आपकी नई किताब आ रही है 2 महीने 12 दिन, तो ये हमने देखा है, वो उस दौर भयानक दौर था, खासतौर से कोरोना वाला पीरियड, जिसमें क्या कहना चाहिए कि पूरा देश ही बंद हो गया था और किस तरह से मजदूरों के जत्थे, मजदूर कार्मिक कामगार श्रमिक पैदल चलने को मजबूर हुए थे, तो उस दौर को लेकर आपने कुछ गद्य में लिखा और इस बीच एक गद्य की एक किताब और भी आई थी, तो इस किताब के बारे में कुछ बताएंगे किस तरह से मतलब इस का सृजन हुआ? ये किताब ये है मेरी 2 महीने 12 दिन। ये किताब कोरोना काल के आगाज तो थे ही कि जब मजदूर आ रहे थे महानगरों से और जब पैदल चल चल के 1200-1500 किलोमीटर साइकिलें चला करके लड़कियां अपने पिता को ले जा रही थी और जो सत्ता ने नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया था, उस समय में मेरे दिमाग में रोजाना कुछ न कुछ लिखने की बात थी, तो मैं रोज एक वाक्य लिखता था और वो वाक्य अधूरा छूट जाता था, मैंने कभी उस वाक्य को पूरा नहीं किया। इस पुस्तक में एक एक पृष्ठ के अधूरे वाक्य हैं, असमाप्त वाक्य हैं, और उन वाक्यों में ये बातें हैं कि कैसे इस समय की घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। मैंने ये कविता, ये पुस्तक उन भोले भाले मासूम लोगों के नाम समर्पित की है जो अच्छे दिनों के इंतजार में सत्ता के छल छदमों का शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को समर्पित करते हुए मैंने ये किताब लिखी। और ये किताब हालांकि मैंने 19 में लिखी थी, लेकिन प्रकाशक जी की वो बंद रहा, काम भी बंद रहा मैम के यहाँ, और वो अब आई 23 में आई है छप करके, तो इसमें मैंने ऐसे वो पूरे भयावह स्थितियों का वर्णन करने की कोशिश की है कि जो उस समय में लोगों ने झेला और जो परेशान हुए, ये मैंने इस पुस्तक में। वो जो आपकी एक पहली किताब थी अर्धरात्रि का प्रलाप, हाँ मध्यरात्रि प्रलाप, मध्यरात्रि प्रलाप, मध्यरात्रि प्रलाप, हाँ, तो उस वो हाँ। क्या ये उसी की अगली कड़ी है या इसका किस तरह से देखेंगे इसको? हाँ यही है कि ये उसी की अगली कड़ी है, मध्यरात्रि प्रलाप कविता है और ये गद्य है, लगभग ये काव्यात्मक गद्य है और वो कविता है मध्यरात्रि। तो इसमें से कोई हमसे सुना देते अच्छा है। हाँ मैं देख रहा हूँ, ये एक वाक्य मैं सुना रहा हूँ आपको, जो लोग सुन रहे हैं और आप भी देखें जी। देश और समाज फिलहाल लपका गिरोह के जाल में फंसे हुए हैं और यह लपका गिरोह कभी राष्ट्रवाद को लपकता है तो कभी संस्कृति की ओर, कभी बुद्ध को लपकता है तो कभी युद्ध को, जबकि इस लपका गिरोह की सत्ता में बने रहकर पूंजी बनाने की छल छद्म से अपने विरोधियों का
सफाया करने के अलावा अपनी कोई पुख्ता विचारधारा ही नहीं है, और जिस संकीर्ण राष्ट्रवादी तथा धर्मांध विचारधारा की अपना कर यह लपका गिरोह अपने अंधमार्ग पर चल रहा है, वह मूलतः एक भ्रमित और पतनशील मार्ग है, जिस पर चलते हुए यह लपका गिरोह स्वयं भी किसी सही गंतव्य तक पहुंचने के बारे में आश्वस्त नहीं है, और अपने इसी भटकाव के मकड़ जाल में फंसे इस लपका गिरोह के सिपह सालार अपनी सवर्णवादी मानसिकता के बावजूद कभी डॉक्टर अंबेडकर को लपेटने की कोशिश करते हैं, तो कभी अपनी धर्मांध और पूंजीवादी मानसिकता के बावजूद भगत सिंह को लपकने की कोशिश करते हैं, और पता नहीं इस लपका गिरोह को शर्म क्यों नहीं आती कि बाहर जाकर गांधी और बुद्ध का संदेश देने वाला यह लपका गिरोह है अपने वास्तविक जीवन में गौर से और युद्ध की बात कितने नक्शेपन से कर लेता है, और मानवता के उच्च आदर्शों के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह को भी अपनी निकृष्टतम संकीर्ण विचारधारा में लपकने का दुष्प्रयत्न कर रहा है, जबकि के बंद कर दिया। यह एक इस लपका गिरोह के लिए एक वाक्य था मेरा, और जबकि पे मैंने इसको बंद कर रोक दिया। ये कविता में ऐसे वाक्य इस किताब में है, और ये एक एक प्रश्न के वाक्य हैं। कुछ ताजा कविताएं सुनाइए केदार जी, हमारे साथी लोग भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। देखिए, एक कविता तो मैं अपने इस कविता के उत्तरदायित्व के बारे में कि मैं कैसी कविताएं लिखता हूं और मुझे कैसी कविताएं लिखनी की कोशिश करता हूं, मैं कैसी लिखनी चाहिए एक कवि को कविताएं, अपने काव्य उत्तरदायित्व के बारे में एक कविता सुना रहा हूं मैं आपको। मेरी मानसिकता को यह कविता स्पष्ट कर देगी। दीनहीन जन जीवन से जुड़कर सदैव मैं शब्दों की गरिमा रख पाऊं, दुख का कड़ा स्वाद चख पाऊं, सभी अबूझे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर जान सकूं समुचित अपने सारे प्रयत्न कर, दीनहीन जन जीवन से जुड़कर सदैव मैं समझा पाऊं जन समाज को छद्म शत्रु के, समझा पाऊं जन समाज को छद्म शत्रु के कपट जाल को तोड़ सकूं मैं, फोड़ सकूं पाखंडी भांडा, बनूं चुनौती बड़ बोले वाचाल वागवीरों के प्रति मैं, निज भाषा में कहूं बात साधारण जन की, खुले हृदय से सुनूं गुनूं मैं दुख निर्धन के, खुले हृदय से सुनूं गुनूं मैं दुख निर्धन के, प्राण भरे हूं मेरी कविता में जन जन के, तभी सार्थक होगा मेरा कविता रचना, नहीं चाहता सच्चाई से कदापि बचना, नहीं चाहता सच्चाई से कदापि बचना। यह मैं अपने काव्य उत्तरदायित्व को लेकर के मैंने अपनी कविता के लिए। जी जी, और सुनाइए। एक देखिए, अभी आप मुरारी के बारे में बात करने वाले कर रहे थे ना, तो मुरारी को लेकर के अभी इन्हीं दिनों में एक और कविता मैंने लिखी है मुरारी के लेकर के। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मुरारी मुल्क हमारा भी तो है, तुम्हारा नहीं मुरारी मुल्क हमारा भी तो है, लाठी गोली पुलिस जेल पर यह जनधारा भी तो है, लाठी गोली पुलिस जेल पर यह जनधारा भी तो है, गिरवी रखे जाते हो तुम देश धरोहर धनिकों को, गिरवी रखे जाते हो तुम देश धरोहर धनिकों को, देश बचाएंगे मिलकर हमने उच्चारा भी तो है, चिकनी चुपड़ी बातों से तुम बहुत पटाते हो हमको, चिकनी चुपड़ी बातों से तुम बहुत पटाते हो हमको, लेकिन कैसे भूल जाए हम तू हत्यारा भी तो है। और ये देखिए प्रेम जी, ध्यान देना, जोखिम बहुत है सागर की इन लहरों में नाविकों पर, जोखिम बहुत है सागर की इन लहरों में नाविकों पर, इन लहरों ने ही नाविक को पार उतारा भी तो है,
इन लहरों ने ही नाविक को पार उतारा भी तो है। हमर भारी पड़ने का दावा करते तुम भूल गए, हम पर भारी पड़ने का दावा करते तुम भूल गए। हमको निज संकल्प मगर प्राणों से प्यारा भी तो है। सच कहने वाले लोगों को डाल रहे हो जेल में तुम, सच कहने वाले लोगों को डाल रहे हो जेल में तुम। हर एक कंठ में इंकलाब का लेकिन नारा भी तो है। और ये देखिए, दाएं ने जब जब भी अंगुली की है कहीं बेवजह तो, प्रेम जी, दाएं ने जब जब भी अंगुली की है कहीं बेवजह तो, बाएं ने तत्काल करारा थप्पड़ मारा भी तो है। बाएं ने तत्काल करारा थप्पड़ मारा भी तो है। अरे मुरारी साफ समझ ले तानाशाह कोई भी हो, अरे मुरारी साफ समझ ले तानाशाह कोई भी हो। विजय गर्व में चूर हुआ जब आखिर हारा भी तो है। विजय गर्व में चूर हुआ जब आखिर हारा भी तो है। ये मेरी कविताएं इन दिनों में मैं लिख रहा हूं। कैलाश भाई एक बात बताओ कि जिस तरह की कविता आप लिख रहे हो उसके अपने जोखिम हैं, और उस जोखिम को आप एक छोटे से कस्बे में रहकर झेलते भी होंगे, क्योंकि जिस तरह का वातावरण है उसमें इस तरह की कविता लिखना और लोगों तक चूंकि वो पहुंच बड़ी मात्रा में पहुंचती है तो उसकी लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन इस लोकप्रियता के खतरे भी हैं। खतरों से कैसे? नहीं, वे लोग होते हैं लेकिन मददगार भी कम नहीं है। मेरे साथ बोलने वालों की भी कमी नहीं है प्रेम जी। मेरे पास में ऐसे लोग भी आते हैं जो ये कहते हैं कि कोई आपकी सिर्फ आंख उठा के देखेगा तो आपके खत्म है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है गांव में। हाँ, छोटा गांव है और छोटे गांव में सारी चीजें होती हैं ऐसी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बोलने वाले, मेरा विरोध करने वालों को चुप कराने वालों की भी कमी नहीं है। और इतना सही चाहिए, अगर थोड़ी बहुत झाड़ झंकार हो भी जाती है तो झाड़ लेता हूँ, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, हो जाए तो इतना सा झेल भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य है जो आप पत्र पत्रिकाओं में भी देख रहे हैं कि हाँ, लगातार मतलब प्रतिरोध की कविताएं लिखने वाले कम और वो जलेबी बनाने वाले कवि अधिक हो रही है, तो उस पर क्या? ये चीजें हैं और ये चीजें रहेंगी। लोग इतने लिप्सित, हमारे एक साथी हुआ करते थे प्रेमचंद, जानते हैं आप भी, जानते होंगे, याद आएगा, कुमार अहस्कर। अहस्कर कहा करते थे सत्ता के अहस्कर कहा करते थे सत्ता के एक हाथ में हथकड़ी होती है और दूसरे हाथ में इनाम। तो लोग हथकड़ी को छोड़कर इनामों की तरफ भटकने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। एक प्रश्न अभी आया है कि एक कवि के रूप में आप अंधविश्वास और रूढ़ियों को किस तरह से देखते हैं? मैं अंधविश्वासी कतई नहीं हूं, पहली बात। भूत प्रेत आत्मा देवता ईश्वर, मेरा कोई बहुत ज्यादा इनसे लगाव नहीं है। मैं इनसे दूर से ही राम राम, दूर से राम राम का एक ना मुहावरा है, दूर से राम राम वाला मुहावरे में दूर से राम राम रखता हूँ इन सब लोगों से, इन सब चीजों से। हाँ, यह जरूर है कि घर में कोई मानता है तो उनके मैं दबाव प्राय नहीं देता। ये मेरी कमजोरी कही है कि उनको मैं और नहीं समझ, मेरे ख्याल से समझाना भी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे घर में मैं मौजूद नहीं रहता, लेकिन जो पितरों के श्राद्ध तक हमारा घर सीमित है, वरना हमारे घर में भी ये चीजें इतनी नहीं है जितनी और लोगों से पाई जाती है, इतनी ज्यादा है नहीं। और आप तो मेरे पास आए हुए हैं, छुआछूत वगैरह का तक हो तो हमारे यहाँ कहीं कोई लेन देन नहीं है, घर परिवार में भी नहीं है, ये सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। था कि वो देवेंद्र जी ये पूछना चाह रहे थे कि एक कवि के रूप में जो अंधविश्वास है और रूढ़ियां हैं उनसे आप किस तरह से लड़ते हैं। आपके यहाँ तो नहीं है, लेकिन आपके आसपास जो रूढ़ियां हैं या अंधविश्वास हैं उनके बारे में आपका कवि कैसे उनसे दो चार होता है? कवि के रूप में होते हुए भी जो आसपास की स्थितियां हैं उनसे दो चार होना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। बात यह है कि
हम अपने आप को, जो अभी प्रेमचंद ने बार बार इस शब्द का उपयोग किया है, डिक्लास करने के लिए गर्बीली गरीबी में, मुक्तिबोध वाली स्थितियों में गर्बीली गरीबी में रहते हुए यदि हम अपने आप को संतुष्ट रख पाते हैं, गर्बीली गरीबी में भी हम अपने आप को एक अच्छे मनुष्य के रूप में बनाए रख पाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है आसपास की स्थितियों को सामना करना। और ऐसी कोई बात कभी आई भी नहीं है, और आई है तो मैंने बताया ना, अगर थोड़ी बहुत कभी कभी आती है तो मैं उसे झाड़ देता हूँ, हाँ भाई चलो ठीक है, भूल गए, आज हुई कल खत्म, मैं ऐसी कोई बात की परवाह भी नहीं करता, सही बता रहा हूँ। अच्छा, आपको लगभग अब अगर 80 से अब तक करें तो लगभग आपको लगभग 43-44 साल कविताएं लिखते होंगे। हाँ, इस कभी आपने कभी आपको लगा कि आपकी कवि के अलावा कुछ और भी आप हो सकते थे, या कभी आपने सोचा कि कुछ और किया जा सकता है? हाँ, कवि के अलावा मुझे एक अच्छा अध्यापक बना हूँ रहा हूँ, और अच्छे अध्यापक के रूप में मैंने अपना काम किया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कवि के अलावा एक अच्छा एक्टिविस्ट बनना चाहता था। मुझे लगता है कि ये मेरे एक कमजोरी रही है कि मैं एक अच्छा एक्टिविस्ट बनना चाहता था। कवि नहीं होता तो मैं सड़क पर उतर कर युद्ध लड़ने वाला कार्यकर्ता होता, और मैं एक तरह से पार्टी का फुल टाइम काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता था अगर कवि नहीं होता तो। यह मैं पक्की बात, यह मन में मन की इच्छा है कि मैं ये बिल्कुल सही बात है। यह अधिक जी, ये मेरी दुखती रख पर आपने हाथ धर दिया है कि ये मेरा एक बहुत। हाँ, मैं आपको एक इस समय संबंध में एक प्रसंग सुना भी दूं कि शिक्षक संघ की, अब आजकल तो कहाँ होते हैं आंदोलन, शिक्षक संघ की हड़ताल चल रही थी और डेढ़ महीने तक चली वो आंदोलन, और बिशन सिंह शेखावत उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे राजस्थान शिक्षक संघ के, तो उनके निर्देशन पर हम लोग, तो मैं उस समय अगवा हुआ करता था, ये मैं आपसे, और मुझे याद है कि शायद आपने तो देखा होगा, एक सरदार जी हुआ करते थे कुलदीप सिंह जी, वो कर्मचारी महासंघ के सेक्रेटरी जी, जनरल सेक्रेटरी, फिर उनका एक एक्सीडेंट में हाथ कटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो मैं उनके साथ में मैंने खूब काम किया और मैं शिक्षक संघ के कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन हाँ, अब जाते जाते ये लगता है कि मुझे एक एक्टिविस्ट होता, कवि नहीं होता तो वो अच्छा रहता, ज्यादा मन तो इस बात में ज्यादा है, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक्टिविज्म आपकी कविता में आ गया है पूरा का पूरा। वो कविता में आ गई है वो आप। इसी का ये रहा कि ये जो किताब है ना, जो 2 महीने 12 दिन की बात हम कर रहे हैं, इस किताब की भूमिका मैंने महेंद्र ने से लिखवाई है, महेंद्र जी से लिखवाई, मैं इस रूप में लिखवाई कि मैं वो जो एक दमित इच्छा है अपने आप को एक एक्टिविस्ट के रूप में रखने की, वो मेरी इसमें पूरी हो पा रही। ये एक किताब आई है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से, जिसमें चाइनीज कविताएं हैं, तो इसमें से मैं कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। देखिए, इसके जो मेरा एक मतलब ट्रेंड मान लिया गया है उससे अलग हटकर ये थोड़ी कविता है। वो रंग भी आना चाहिए। स्वागत। तदर्थ कविता का शीर्षक है, तदर्थ। अभी तो बहुत हैं मेरी पोटली में बाजरे के दाने, अभी तो बहुत हैं मेरी पोटली में बाजरे के दाने, बिखेरता रहूंगा इन्हें छत पर, आती रहेंगी चिड़ियाएं और चहचहाता रहेगा मेरा मन चिड़ियाओं के साथ। बचा कर रखे हैं ढेर सारे गेंदे के सूखे हुए फूल, बचा कर रखे हैं ढेर सारे गेंदे के सूखे हुए फूल, बीजों की तरह डालूंगा इन्हें रास्तों के बगल की मिट्टी में, कि फूलों की तरह खिल सके मेरा यह जीवन। स्मृतियों में सुरक्षित रखे हैं पूर्वजों के पदचिन्ह, स्मृतियों में सुरक्षित रखे हैं पूर्वजों के पदचिन्ह, कि जब भी कुछ सोचता हूं पांव स्वतः स्फूर्त हो जाते हैं चलने के लिए
आगत की उद्देश्य पूर्ण यात्रा पर। अभी तक तो बनी हुई हैं संभावनाएं, अभी तक तो बनी हुई हैं संभावनाएं कि कभी तो अवश्य उमड़ कर बहेगी विलुप्त नदी माधव वेणी की, हर शाम जाता हूं टहलने उधर इसी उम्मीद में। जब भी होती है आशंका, जब भी होती है आशंका कि समय साथ नहीं देगा और मर जाएंगी संवेदनाएं, तब जब भी होती है आशंका कि समय साथ नहीं देगा और मर जाएंगी संभावनाएं, जब नहीं सुनेगा कोई मेरा दुख तदर्थ, बचे हुए हैं आंखों में थोड़े से जलकण, बचे हुए हैं आंखों में थोड़े से जलकण। कविता मैंने आपको सुनाई अपनी, और एक और कविता मैं शायद समय होने को है, प्रेमचंद जी कविता सुना सकते? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनाइए। कविता और सुनाना चाहूंगा मैं, और ये मैं सुनाने मेरे मन बिल्कुल। एक खोए हुए खोया हुआ आदमी, एक खोए हुए आदमी से मिला मैं कल शाम, जो सब कुछ भूल चुका था का भी कुछ पता नहीं था। लेकिन रात गिरने वाली है और इस घटाटोप में तुम कहां रहोगे भले आदमी, मैंने अपनी चिंता प्रकट की। तो तनिक भी विस्तृत नहीं हुआ वह और कहा, मुझे बीड़ी बंडल और माचिस चाहिए रात भर के लिए, यदि तुम दिला सको। एक बीड़ी में गुजार सकता हूं मैं आधा घंटा, और जब तक सुबह हो जाएगी पूर्णतः निर्विकार और निर्लिप्त लगा हुआ मुझे। इतने तो ठिकाने हैं इस शहर में, इतने तो ठिकाने हैं इस शहर में, पार्क, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, टीन सेट, छतनुमा पुलियाएं और खुले बरामदे। बेघरों का घर यात्राएं ही होती हैं, बेघरों का घर यात्राएं ही होती हैं। मांग कर पी लूंगा किसी से सुबह की चाय भी, चार दिन, कविता का चरम है यहाँ, चार दिन काटना जिसे आ गया वह उम्र भी काट सकता है इस अनजान दुनिया में। चार दिन काटना जिसे वह पूरी उम्र भी काट, उम्र भी काट इस दुनिया में। जिसे चार दिन काटना आ गया वह उम्र भी काट सकता है इस दुनिया में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे कविताएं सुनी, आपसे बातचीत की, और बहुत अच्छा लगा। इतना हम एक कवि को जितने कम समय में जान सकते हैं वही हमारे लिए निधि होती है एक तरह से। तो मैं जनसरोकार मंच का आभारी हूं कि आपसे बातचीत करने का अवसर दिया। केला जी बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, नमस्कार आप सबको, और अपने समय निकाला उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, और सुनने वालों का, देखने वालों का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।